हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। सो गाइस, आज का ये वीडियो स्पेशली माइलस्टोन की बुक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर हम क्लास सिक्स की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कोर्स बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडिया अ डाइवर्स नेशन का पार्ट वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस बिगिन द वीडियो। ओके गाइस, तो ये इस बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है इंडिया अ डाइवर्स नेशन, जिसके अंदर हम भारत देश के अंदर विभिन्न प्रकार की धर्म, जाति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम अमल नाम के एक लड़के की स्टोरी को पढ़ेंगे। अमल लीव्स इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अमल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहता है। ही लीव्स द ईयर विद हिज फैमिली इन देयर ईयर्स ओल्ड फैमिली होम। वो वहाँ पे अपने परिवार के साथ बहुत सालों पुराने फैमिली होम में रहता है। ही स्टडीज एंड हेल्प्स हिज फैमिली इन द हाउस होल्ड वर्क एंड गोज टू द नियर बाय मॉस्क डे अलॉन्ग विद हिज ग्रैंडफादर। अब वो क्या करता है, अपने परिवार की सहायता करता है घर के कामों में, और पास ही की एक मस्जिद में अपने दादाजी के साथ जाता है। ही स्टडीज इन अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल विच इज इन लोकेटेड द सेंटर ऑफ द सिटी। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही ख्याति प्राप्त स्कूल में पढ़ता है, जो कि शहर के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। देयर आर मैनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन हिज स्कूल। उसके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अमंग देम रामेश्वरम काका इज द ओल्डेस्ट गार्डनर इन द स्कूल। जिनमें से रामेश्वरम काका नाम के एक बहुत ही बूढ़े माली हैं, जो कि स्कूल में काम करते हैं। वन डे ही ब्रिंग्स अ स्मॉल बॉय अलोंग विद हिम टू द स्कूल। एक दिन वो एक छोटे से बच्चे को अपने साथ स्कूल में लेके आते हैं। ही इंट्रोड्यूसेस हिम एज हिज ग्रैंड सन सारथ। अब उसका इंट्रोडक्शन किस रूप में देते हैं, सारथ के रूप में, जो कि उसका ग्रैंड सन है। हु है जस्ट मूव्ड इन फ्रॉम कोयम्बेटोर तमिलनाडु, जो कि अभी अभी कोयम्बेटोर नाम की जो जगह है वहाँ से लौटा है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। काका टेल्स हिम दैट सारथ इज़ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज नियर कोयम्बेटोर। अब काका बताते हैं अमल को कि जो सारथ है वो बहुत ही छोटे से गांव से है, जो कि कोयम्बेटोर के पास ही है। ही हैज़ नेवर बीन टू अ बिग सिटी। वो कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं गया है। ही सैड दैट ही टुक हिम टू द नियर बाई टेम्पल। उन्होंने बताया कि वो उसको एक पास के टेम्पल से लेके आया है। एंड फ्रॉम नाउ, और अब से, ही विल बी हेल्पिंग हिम इन स्कूल गार्डनिंग। वो स्कूल गार्डनिंग में उसकी हेल्प करेगा। अमल आस्क काका वेदर सारथ विल गो टू एनी स्कूल और नॉट। अब अमल काका से पूछता है कि जो सारथ है क्या वो स्कूल जाता है या नहीं। काका लुक एट सारथ एंड टेल्स अमल द टाइड नाउ ही एंड हिज फैमिली कैनॉट अफोर्ड द फीस ऑफ द स्कूल। अब जो काका हैं वो अमल को बताते हैं कि सारथ की फैमिली, जो सारथ के पेरेंट्स हैं, वो फीस नहीं भर सकते हैं अभी स्कूल की। अमल लुक्स एट सारथ। अमल जो है सारथ की तरफ देखता है। ही देन पुट्स हिज हैंड फॉरवर्ड फॉर अ हैंडशेक एंड ग्रीट्स हिम इन हिंदी, बट सारथ लुक कंफ्यूज। अब जो अमल है वो क्या करता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए, मिलाने के लिए, और स्वागत करता है सारथ का, हिंदी में बात करता है वो उससे। इससे क्या होता है, जो सारथ है वो थोड़ा कंफ्यूज दिखाई देता है। ही देन स्लोली ग्रैब्स हिज हैंड, और धीरे से फिर वो क्या करता है, अमल का हाथ पकड़ लेता है, बट ग्रीट्स अमल इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन जो है अमल का स्वागत वो एक अलग ही भाषा में करता है। काका टेल्स हिम दैट ही इज़ ग्रीटिंग हिम इन। अब काका सारथ को बताते हैं कि वो उसको ग्रीट कर रहा है तमिल में, तमिल भाषा में ग्रीट कर रहा है उसको, एज ही डजंट नो हिंदी, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता है। अमल नोट्स एंड बिट्स गुड बाय टू सारथ। अब जो अमल है वो क्या करता है, गुड बाय बोलता है सारथ को। डेज पास्ट बाय एंड अमल स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद सारथ इन स्कूल ब्रेक्स। अब समय गुजरता गया और जो अमल है अपना जो स्कूल के अंदर उसको ब्रेक होता था, तब किसी भी टाइम वो जब उसको ब्रेक मिलता था वो क्या करता था, सारथ के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था। ही इंट्रोड्यूसेस हिम टू सम ऑफ फ्रेंड्स टू। अब वो अपने कुछ दोस्तों से भी सारथ को मिलवाता है। ही ऑल्सो टीचेज हिम अ फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन हिंदी, और उसको वो कुछ शब्द और वाक्य सिखाता है हिंदी में। ही इज सरप्राइज टू सी हाउ क्विकली सारथ लर्न्स न्यू वर्ड्स। वो बहुत हैरान होता है कि सारथ कितना जल्दी नए वर्ड्स को सीख रहा है। सारथ इज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली बॉय। जो सारथ है वो भी बहुत ही दोस्ताना लड़का है। ही ऑल्सो टीचेज अमल अ फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन तमिल। अब वो लड़का भी क्या करता है, अमल को तमिल भाषा में
कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाता है. बोथ द बॉयज बिकम फ्रेंड्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर. दोनों ही लड़के एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. ओके गाइज, अब हम बात करेंगे लेट अस नो मोर पार्ट में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी को समझेंगे असल में व्हाट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती क्या है. आवर वर्ल्ड इज़ अ डाइवर्स प्लेस. हम सभी को पता है हमारा जो स्थान है, हमारा जो संसार है वो डाइवर्स प्लेस है. अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे निवास करते हैं. एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर. हर आदमी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है. आप देख सकते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है. इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप चारों ओर देखेंगे, यू विल सी हाउ एवरीथिंग अराउंड यू इंक्लूडिंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एंड यूनिक इन दियर ऑन वेज. अगर बात करें हम चारों ओर देखते हैं तो पौधों को लगा लीजिए आप, या फिर एनिमल्स को लगा लीजिए, या फिर आप इंसानों को लगा लीजिए, सब यूनिक होते हैं अपने आप में और एक तरह से अलग होते हैं दूसरों से. इफ़ वी सी द वर्ल्ड ऑल टुगेदर, अगर हम सारे संसार को साथ में देखते हैं, वी विल सी हाउ डाइवर्स पीपल, लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल्स आर अराउंड द वर्ल्ड. तो हम देख पाएंगे किस तरह से संसार के अंदर लोगों की लैंग्वेज में, उनकी फूड हैबिट्स में, उनकी ट्रेडिशंस में, उनके लाइफस्टाइल में, पूरे संसार में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है. People from different countries look different from each other. अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं. Some are fair, कुछ गोरे होते हैं, fair होते हैं, while some are dark, कुछ काले होते हैं. Some have golden hair, कुछ के जो बाल हैं वो golden color के होते हैं, while some have brown or black, या फिर कुछ के क्या brown और black भी हो सकते हैं. Different people have different choices and preferences as well. और अलग अलग लोगों की choices और preferences भी अलग अलग होती हैं. Some people like to sing while some like to read or write. कुछ लोग गाना पसंद करते हैं, कुछ पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ लिखना पसंद करते हैं. People around the world speak different languages and live differently. अब संसार के अंदर जो लोग हैं वो different लैंग्वेज बोलते हैं और बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं. These unique differences among us make our world a diverse one. और यही जो unique differences होते हैं हमारे बीच वो हमें डाइवर्स बनाते हैं, एक दूसरे से अलग बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटी. अब विभिन्नता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में. डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर अराउंड अस. अब विभिन्नता हमें हमारे चारों ओर हर तरफ देखने को मिलती है. There are many factors that make a place or its people different from one another. बहुत सारे factors हैं जो लोगों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं. Many years ago, बहुत सालों पहले, people used to move to different places in search of food, livable conditions and work to do. और बहुत सालों पहले क्या होता था कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे भोजन की तलाश में, जीवित रहने के लिए और काम करने के लिए. Many times they left their homes due to natural disaster like famines and drought or many times due to wars. और कई बार क्या होता था, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता था कुछ भी दुर्घटना होने के कारण, कोई भी डिजास्टर होने के कारण. मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ड्राउट हो गया, या फिर मान लीजिए कोई युद्ध हो गया. Earlier, there were not many means of transport around us. और बहुत समय पहले क्या था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे ट्रांसपोर्ट के, यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए. So many times people traveled by foot or on animals. और तो लोग क्या करते थे, या तो पैरों से यात्रा करते थे, या फिर animals like horses and camels, या फिर जानवरों पे वो जो है यात्रा करते थे, जैसे कि कोई घोड़ा या फिर कैमल पे. इट यूज़ टू मेक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रैवल. इससे क्या होता था कि उनको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था. हैंस दे सेटल्ड एट प्लेस वेयर दे कुड फाइंड थिंग्स फेवरेबल फॉर दियर लिंग्स. फिर भी वे क्या करते थे, अब ऐसा स्थान वो चुनते थे जहाँ पे उनके रहने के लिए फेवरेबल चीज़ें हों. After settling at a new place, they try to adapt to the culture and traditions of that place. अब वहाँ पे सेटल होने के बाद, किसी भी नए स्थान पे सेटल होने के बाद वो क्या करते थे, उस स्थान की कल्चर को, संस्कृति को, ट्रेडिशंस को वो क्या करते थे, अडॉप्ट कर लेते थे. वैसा ही वे वहाँ पे
व्यवहार करने लग जाते थे मैनी टाइम्स, और बहुत बार क्या होता था, दे ब्रॉट इन दियर आउन ओल्ड कल्चर टू द न्यू प्लेस, या फिर वो अपनी ही कोई कल्चर है उसको नए स्थान पे जाके क्या कर देते, वहाँ पे उसको प्लेस कर देते थे। जो लोग हैं वो भी उनकी कल्चर को फॉलो करने लग जाते थे। दैट रिजल्टेड इन अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ, मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, अब भाषाएं जो थी वो मिक्स हो गई, फूड भोजन जो है वो भी मिक्स हो गया, रिलीजन धर्म भी मिक्स हो गया, एंड म्यूजिक ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों का म्यूजिक भी क्या हुआ, मिक्स हो गया। दिस इज हाउ डाइवर्सिटी ओरिजिनेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, इसीलिए जो डाइवर्सिटी है संसार के विभिन्न स्थानों से क्या हुई, उत्पन्न हुई। डाइवर्सिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल एरियाज एज वेल, अब डाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है किसका, जियोग्राफिकल भौगोलिक जो एरिया होता है उनका भी जो है डाइवर्सिटी के ऊपर इतना ही प्रभाव पड़ता है। आवर वर्ल्ड हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस रिजल्टिंग इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर अस टू लीव, अगर हमारे भारत की ही अगर हम बात करें तो लैंड फॉर्म्स में भी यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलती है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे कोस्ट एरिया हमें देखने को मिलता है, कहीं पे माउंटेनियस एरिया हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्या है लैंड फॉर्म्स में भी वैरायटी देखने को मिलती है, क्लाइमेट कंडीशंस भी हमें यहाँ पे को मिलती है। मान लीजिए अगर हम कश्मीर के अंदर हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अगर हम हमारे हरियाणा स्टेट में हैं तो यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों तरह के मौसम होते हैं, बारिश का मौसम अलग से होता है, अलग अलग ऋतुएं यहाँ पे होती हैं। और अगर हम बात करें चेन्नई की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बात करें बैंगलोर की तो बैंगलोर के अंदर क्लाइमेट कैसा होता है, नॉर्मल होता है ऑल ओवर द ईयर, साल में पूरा वो क्या कहते हैं नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है, तो क्लाइमेट जो कंडीशंस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। मैनी प्लेस नियर द सी हैव ह्यूमिड एटमोसफेयर वाइल मैनी प्लेसेस नियर द माउंटेन्स हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट, अगर बात करें सी के पास जो एटमोसफेयर होता है वो कैसा होता है, ह्यूमिड होता है, मतलब वहाँ पर उमस भरा होता है, वाइल मैनी प्लेस नियर द माउंटेन्स, अगर बात करें माउंटेनियस इलाके की जहाँ पे पर्वत होते हैं वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंड रहती है वहाँ पे। पीपल इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज हैव फूड क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल एडजस्टेड टू दियर एरिया, अब जो लोग जिस प्रकार के जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं वो वहाँ के ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, वहाँ के टाइप का भोजन खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी वहाँ के अनुसार एरिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। दिस ब्रिंग डाइवर्सिटी अमंग डिफरेंट प्लेसेस इन आवर वर्ल्ड, और इससे क्या होता है संसार के अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द पीपल लिविंग इन कोल्डर एरियाज वियर वोलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड वाइंड्स वेरियाज वियर एज पीपल लिविंग इन ह्यूमिड एरियाज वियर कॉटन क्लोथ्स, अगर बात करें मान लीजिए उदाहरण के लिए जो लोग ठंडे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ठंड होती है तो वो जो है ऊन के कपड़े पहनते हैं अपने आप को ठंड से, ठंडी हवाओं से बचाने के लिए। अब उन लोगों की बात करें जो कि उमस भरे एरिया में रहते हैं तो वो कॉटन के कपड़े वहाँ पे पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है थोड़ा ठंडा रहता है, गर्मी हमें उसमें कम लगती है। द फूड ऑफ पीपल लिविंग इन हिल्स इज स्पाइसी टू गिव दैम हीट एंड पीपल लिविंग इन ह्यूमिड एरियाज हैव वाटर बॉडीज नियर दैम, अगर बात करें उन लोगों की जो कि हिली जगहों पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, तो वो किस प्रकार का भोजन खाते हैं, थोड़ा स्पाइसी भोजन खाते हैं खुद को गर्म रखने के लिए। और जो लोग ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, मींस जो लोग ह्यूमिड एरिया में रहते हैं वो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हमें देखने को मिलती है नियर देम, उनके आसपास, क्योंकि वहाँ पे पानी होता है, समुद्र होता है, सो दे प्रेफर सी फूड एज इट इज़ ईजली अवेलेबल, तो सी फूड वो खाना पसंद करते हैं क्योंकि बड़ी आसानी से उन्हें वो प्राप्त हो जाता है। अब वो क्या खाते हैं सी के अंदर से, जैसे मछलियाँ वगैरह भोजन के रूप में वो लेते हैं क्योंकि बड़ी आसानी से वो चीज़ें उनको वहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। Now we will talk about benefits of diversity. हम diversity के benefits के बारे में अब बात करेंगे कि इसके लाभ क्या हैं हमारे लिए। How would you like a world with no options? आपको कैसा लगेगा वो संसार जिसके अंदर कोई option ही ना हो? Would you like to eat the same food all the time or would you like to wear the same clothes every day? क्या आप एक ही तरह का हमेशा एक ही तरह का भोजन खाना पसंद करोगे? क्या आप एक ही तरह के कपड़े हर रोज पहनना पसंद करोगे? इमेजिन तो कल्पना करिए, ऑल दी मूवीज़ यू सी
वर ऑफ अ सेम प्लेस, अगर आप मूवीज की बात करें तो वो बिल्कुल सेम प्लेस की ही हो, अबाउट सम पीपल विद अ सिमिलर स्टोरी लाइन, और सभी की जो स्टोरी जो है वो सिमिलर हो, तो आपको कैसा लगेगा कि आप बार बार वो मूवीज देखेंगे? डाइवर्सिटी ब्रिंग्स वेराइटी. अब डाइवर्सिटी क्या करती है? वेराइटी को लेके आती है, अलग अलग विभिन्नता को वो लेके आती है. डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड ब्रिंग दियर कल्चर्स, क्लोथ्स, फूड एंड मैनी मोर सच थिंग्स टू अस. अब संसार के विभिन्न विभिन्न एरियाज में रहने वाले लोग हमारे लिए क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की कल्चर्स को, क्लोथ्स को, फूड्स को हमारे लिए लेके आते हैं. वी गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड. अब संसार के अंदर जितनी भी संस्कृतियाँ हैं हमें उनके बारे में सीखने को मिलता है. टुडे वी हैव अ वेराइटी ऑफ फूड क्यूजन्स, क्लोथ्स, लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स टू सेलिब्रेट एंड अडेप्ट. अब हमारे पास जो हैं बहुत सारे कल्चर्स हैं, लाइफ स्टाइल हैं, फेस्टिवल्स हैं, क्लोथ्स हैं पहनने के लिए जिनको हम पहन सकते हैं. इट गिव्स अस अ चांस टू लर्न फ्रॉम ऑल द वेरियस रिलीजन अराउंड द वर्ल्ड. संसार के अंदर जितने भी धर्म हैं हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है. वी लर्न टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स इन डिफरेंट वेज एज सेलिब्रेटेड अक्रॉस वेरियस रिलीजन्स. अब हम क्या करते हैं, फेस्टिवल्स को विभिन्न ओकेजन्स पर सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरीकों से, अब अलग अलग धर्मों में जिस प्रकार से उनको सेलिब्रेट किया जाता है. आवर डाइवर्स वर्ल्ड ब्रिंग्स टूगेदर पीपल विद वेरियस. ओके गाइज, तो हम बात करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं. यहाँ पे एक जो हमें पिक्चर, सबसे पहली जो हमारी पिक्चर है वो लद्दाख की है, और दूसरी अगर हम बात करें तो वो केरला की है जहाँ पे बोट रेसिंग हो रही है. अब अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग त्यौहार होते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, कल्चर होती है, उनकी वेशभूषा होती है, वो क्या पहनते हैं, वो किस टाइप का भोजन करते हैं. लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठंड होती है तो लोग वूल के जो हैं कपड़े पहनते हैं. अगर बात करें हम केरला की तो यहाँ पे उमस भरी थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है लोग कपड़े पहनते हैं. और समुद्र के अंदर आप देख सकते हैं पे नाव तैरा रहे हैं. इष्ट के बारे में हम अगली वीडियो में और भी बात करेंगे. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.